सो फाइनली दोस्तों, हम आप आज आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत सहायक हो, क्लास 9th के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। जो मैं आपको कुछ नोट्स बताना चाहूँगा जिससे आपके आसानी से पढ़ सकें। तो चलो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि घंटी भी दबा दे ताकि आपके पास कोई नई वीडियो आए तो आपके पास पहुंच सके। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद में यहाँ आपको सर्च करना है इनोवेटिव ज्ञान क्लास 9th साइंस। साइंस के नोट्स पढ़ रहे हैं हम आपके लिए कुछ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये लिंक आ जाएगी हमारे सामने, ये इनोवेटिव ज्ञान .com। फिर इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें ऐसे ऊपर लेना है, और ऊपर लेने के बाद ये आ जाएंगे क्लास 9th नोट्स इन हिंदी, यानी हिंदी मीडियम है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, आपके वहाँ इंग्लिश मीडियम कर देना। तो इसमें पहला चैप्टर आपके हमारे आसपास के पदार्थ, तो आपको दिखा दूँ पहला, बाकी आप इसमें सारे देख लेना, इसमें सारे आए हुए हैं ये सारे। तो चलो हम हमारे पास आसपास के पदार्थ पर क्लिक करते हैं। तो इसके दबाने के बाद हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आया। इसे थोड़ा ऊपर लेंगे तो यहाँ देखो क्लास 9th चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, नोट्स इन हिंदी। तो इसमें ये आपका हो जाएगा पहला, पहला है पदार्थ। तो ऐसे ऊपर लोगे कणों के भौतिक गुण, पदार्थ के कणों के विलक्षणिक गुण, पदार्थ की अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, ऐसे आपके सारे आ जाएंगे। इसमें शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको पढ़ने में सहायक होंगे। फिर चलो दूसरे करते हैं। फिर है दूसरा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये तो ऐसे देख लेना आप सारे, ताकि आपके सहायक हो सकें। फिर है परमाणु एवं अणु, चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना। 5th चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। 6th चैप्टर है ऊतक, और 7वां चैप्टर है आपके जीवों में विविधता। 8वां में गति, 9th में बल तथा गति के नियम, 10th में गुरुत्वाकर्षण, और 11th चैप्टर में कार्य तथा ऊर्जा, और 12th में ध्वनि, और 13 हमारे बीमार क्यों होते हैं, 14 14 प्राकृतिक संपदा। तो 2023 में सिलेबस चेंज हुआ है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बता दें। तो इसमें साइंस में 15 पार्ट थे हमारे चैप्टर, 15 चैप्टर थे, उसमें से 3 पार्ट हटा दिए गए हैं। हम वो भी बताएंगे आपको कौन कौन से हटाएं, कौन कौन से सिलेबस में। तो देखो, एक तो ये चैप्टर नंबर 7 जीवों में विविधता, जीवों में विविधता, ये पार्ट हटा दिया गया आपके। फिर आपके एक ये हम बीम 13वां चैप्टर, हम बीमार क्यों होते हैं, ये भी हटा दिया गया है आपके। फिर आपका एक 14वां पार्ट, ये भी आपके हटा दिया गया है। तो ये अब 3 पार्ट आपके हटा दिए गए, इसे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। और हम अपना वीडियो यहीं पूरा करते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका।
अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।